एक मसला हो गया यार, हमारी गाड़ी को ना किसी ने ना स्क्रैच मारा था आगे से ना, एक दो स्क्रैच नहीं काफी ज्यादा ऐसे ऐसे किया हुआ था। तो फाइनली यार हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमारी गाड़ी है, तो अभी चेक करते हैं किस कंडीशन में है। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये क्या बोलने मैंने यार, एक तो मेरा इंट्रो नहीं है ना मेरा आउट्रो है, कैसे करूंगा यार, मुझे सिखाओ यार व्लॉगिंग। शयान भाई क्या कैसे इंट्रो होना चाहिए यार हमारा, बताओ आज, मतलब कि अस्सलाम वालेकुम बोलूं, हेलो बोलूं, या फिर कैसे आप सब बोलूं, सो गाइस बोलूं, दोस्तों बोलूं, क्या बोलूं बताओ मुझे। दोस्तों भाई, बाकी यार आपको याद होगा हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती थी, आज क्यों नहीं खड़ी, उसकी वजह यह है एक मसला हो गया यार, हमारी गाड़ी को ना किसी ने ना स्क्रैच मारा था आगे से ना, एक दो स्क्रैच नहीं काफी ज्यादा ऐसे ऐसे किया हुआ था, बहुत ही यार बड़ा मसला हो गया था। तो आपकी तो तबीयत ही खराब हो गई थी, हमने ब्लॉग में नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, हमने फॉरन भेज दिया कि इसको बनवाने ले चलो, ले गए भाई, और उसको हमने रैप भी कराना है। उधर ही स्टूडियो में खड़ी हो, डिटेलिंग स्टूडियो में हमारी गाड़ी खड़ी है, वहां पर जाएंगे अभी, देखेंगे उसकी क्या हालत है। तुमने तो नहीं मारा था स्क्रैच, बता दो आज, हम बंदा ढूंढ रहे हैं, वो हमें कैमरे में नजर आ गया, तो मैं छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने किया तो। इधर आओ, किसने किया किसी का पता है आपको, शक है किसी पे? इसने, चलो मिलते हैं उससे, इसने किया है। ओ इसने, इसने किया है, तुमने स्क्रैच किया है ये, इसने इसने किसने नहीं किया, तुमने किया है। खैर यार वैसे हमें पता नहीं कि किसने किया ये काम, जो भी हो यार बुरा हुआ है, बाकी हम जाते हैं देखते हैं गाड़ी की क्या कंडीशन है। तो यार जाने से पहले सोचा मैंने जिम करके जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी चला गया ना फिर वापसी का कितना टाइम लग जाएगा, फिर मैं थक जाऊंगा, इसलिए काम करके ही जाते हैं, क्योंकि रोज करना है यार जिम, ऐसे नहीं एक दिन किया दो दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, रोज करना होता है फिर जाकर कोई फर्क आएगा, ऐसा थोड़ी आएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं यार जिम, भागो यार जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास। A few moments later. तो यार जिम वगैरह कर लिए। ओए जिम कब करोगे शुरू, तुमने करनी है नहीं करनी? पसीना चेक करो, खुद ही करो, मैं बिल्कुल फिट हूं। ऐसे फिट हूं क्या है मुझे यार, सारा दिन सोए रहते हो, फिट हूं। ए, क्या हो गया साइकिल को तोड़ दिया? ओ जी यार इसके हैंडल ही लटक रहा है, ये किसने तोड़ा है यार? उधर से हमारी गाड़ी खराब होगी, इधर से तुम्हारी साइकिल नहीं खराब होगी, ये क्या बात हुई यार? यार अभी शयान ना बगैर हैंडल के चला रहे साइकिल, बेचारे ने न्यू ली थी, खराब भी होगी इसकी। हाँ गाड़ी आ रही है, फिर चलना है यार गाड़ी के पास अपनी। क्यों याद आ रही है उसकी? क्या बन रही है कि नहीं बन रही, वो सही हो जाएगी? बन रही है, फिर चेक करने जाना है कि किस तरह से बन रही है हमारी गाड़ी कैसी। अभी जा रहे हैं यार हम डिटेलिंग स्टूडियो में, जहाँ पे हमारी गाड़ी का काम हो रहा है वहाँ पे भी चलते हैं। मैं तो कहता हूँ शयान की साइकिल भी ले चलते हैं, तो शयान काफी जिद कर रहा था मैंने भी आना है, लेकिन हमने उसको कहा हम पेपर देने जा रहे हैं, चलें भाई चलें चलें। तो फाइनली यार हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी है, अभी चेक करते हैं किस कंडीशन में है। यार ऐसे लग रहा है हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं गाड़ियों के, जिसमें हमारी गाड़ी भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। ओए होए होए इसको क्या हुआ यार, ये क्या हालत होगी इसकी, ओ इसकी हैंडल ही नहीं है यार, इसको क्या हो गया है, इसको तो उतार दिए सारे कपड़े छपड़े सब, भाई साहब ये देखो पीछे से देखे सारी यार हालत टाइट होगी इसकी, भाई हमारी गाड़ी को क्या हो गया यार। यार अब मैं बताता हूँ कि इसकी हालत ये क्यों होगी है, सबसे पहले तो इसको स्क्रैच लगा था आगे की तरफ जो कि उन्होंने फिक्स कर लिया है, और दूसरी बात हमने कराना था PPF जो रैप होता है ना गाड़ी के ऊपर, वो कराना होता है जिससे आगे कोई स्क्रैच करेगा ना तो वो नजर नहीं आएगा, मतलब वो नहीं कर पाएगा, इसलिए कराना जरूरी था, इसलिए ये उतारा है सारा कुछ इसका, इसके ऊपर रैप शैप हो गए बाहर से अंदर से, मतलब सब ओके हो जाएगा तभी हमने ये काम किया है। यार सिप्टन मैं नहीं देख पा रहा, सामने देखो जरा, दुख हो रहा है यार हमारी गाड़ी का, पूरा ऑपरेशन कर दिया इन्होंने यार, सारे पुर्जे खोल दिए इनके। सर कुछ ही देर के बाद हमारी गाड़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, इसको पहले साफ करेंगे प्रॉपरली, फिर इसके ऊपर रैप करेंगे, पहले ऐसे सफाई करेंगे इस मशीन के साथ, इस तरह बिल्कुल चमकदार हो जाएगी। तो यार गाड़ी को हमने देख लिया अपनी, हमारी गाड़ी ठीक है, मैं तसल्ली हो गई है, तो अभी चलते हैं वापस घर, इसको कुछ टाइम लगेगा, एक दो हफ्ते, एक हफ्ता लगेगा ना इसको बनने में, तकरीबन चार दिन और लगेंगे, चार दिन बाद हमें गाड़ी इंशाल्लाह मिल जाएगी सही सलामत। चलते हैं भाई, खाना है यार, कुछ खाना है तूने? अरे यार मैं तो डाइटिंग पे हूँ, अब कुछ नहीं खाना तुमने भी? ओहो आज ये लोग खाएंगे और मैं सिर्फ देखूंगा, अपने साथ प्रॉमिस कर लिया है कि यार मैंने नहीं खानी गंदी चीजें, आई जंक फूड। जिम स्टार्ट किया यार, ऐसे थोड़ी इधर से मेहनत करूं जिम पे, इतना टाइम लगाऊं, पसीने बहाऊं, इधर आके दो बर्गर खा लूं, कोई फायदा तो नहीं हुआ, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा देखना तुम, ठीक है भाई? नहीं आखिर खा रहे लोग पहुंच गए और खाने भी शुरू हो गए, और मैं मुझे सिर्फ देखना है इनको कैसे खाया जाता है, आज मैं खाऊंगा नहीं है।
तीसरा मैंने तो नहीं कहा मेरे लिए लाओ, मैं नहीं खाता यार, ताने दे रहे मुझे। लेकिन आज लास्ट डे, आज खा लेता हूँ। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया तो आप, तुमने अच्छा नहीं किया तुमने आज। ड्रामा होता है, ड्रामा। क्या ड्रामा? जब क्या, से कौन सा ड्रामा कर रहे हो ना? हाँ। उस दिन से तुम एक्स्ट्रा खा रहे हो, पता है तुम्हें? पागल हो क्या? घर में डाइट यार, मुझे पता है जितनी मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने वो बर्गर खाया, तुम्हें नहीं पता इस चीज का? घर में खाना खाया हुआ था ना, फिर ये डबल हो गया ना तुम्हारा यार। अब तुम सामने रखोगे ऐसी चीजें, कौन सबर करता है यार, खुद बताया ना, डाइटिंग का फायदा तो ना हुआ अब से भाई। फुल डाइटिंग करूंगा, ये पीऊंगा मैं मर जाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा। लेकिन गला बहुत सूख रहा है यार, बर्गर खाया मैंने, कहा ये नहीं पीऊंगा, लेकिन गला सूख रहा है यार। आज के बाद मैं चैलेंज कर रहा हूँ यार, अपने साथ भी और आपने भी देखना है मुझे। अगर मैं कहीं भाई उल्टा काम करूँ ना, आपने बता देना यार मुझे कि भाई तुम ये नहीं करना भाई, नहीं तो यार फायदा ही नहीं है यार इतना जिम करने का आज की। आपका और हमारा सफर यही था बाबा जी। Two hours later. तर अभी हमारे पास एक पार्सल रिसीव हुआ है, जो कि मैं घर आते ही देखा है। खोलो, कुछ लग रहा है, कुछ स्पेशल है। वाओ, ये तो तुम्हारी है, तुम्हारा पोर्ट्रेट बनी हुई है, बहुत प्यारी है यार, कितना अच्छे लग रहा है। मेरी भी है क्या? तुम्हारी ज्यादा अच्छी है यार। वाओ, मेरी देखो यार, मेरी पिक्चर सही नहीं है मेरी, ये वाली नहीं, अच्छी लग रही है तुम्हारी भी यार। आपने बताना है किसकी अच्छी बनी है, मुझे तो मेरी अच्छी लग रही है, तो आप तुम्हें किसकी अच्छी लग रही है? मुझे तुम्हारी अच्छी लग रही है। जलना नहीं है बस यार, बहुत प्यारा बना हुआ है, देख रहे हो यहाँ से दांत। अबे तुम ज्यादा वो ना करो, पैसे दिए हुए तुमने, छोड़ो यार, बहुत बहुत कमाल है यार। लेवल में आज तक अपना पोर्ट्रेट किसी से नहीं बनवाया, देखें यार कितना अच्छा बना हुआ है। मेरी शक्ल लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, लग रहा है यार, मैंने तो रख दिया भाई यार। ऐसे नहीं, फिर जब अपना रूम होगा ना उसमें रखेंगे यार। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी वाली, तो आप बहुत ज्यादा थैंक यू यार जिसने भी भेजा है, बहुत अच्छा लगा है हमें ये गिफ्ट। ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि यार हमने गाड़ी देखनी थी, वो देखने में तसल्ली हो गई, आते साथ यार गाड़ी का नुकसान हो गया, देखें यार। खैर उम्मीद है कि बन जाएगा बहुत जल्द और हम जल्दी उसको चलाएंगे दोबारा से, क्योंकि हम आते साथ यार हमने इतना चलाई भी नहीं है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया गाड़ी को। तो मिलते हैं यार जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसे यार सपोर्ट करते रहिएगा। और मेरे 1 मिलियन होने वाले यार, तो बस 1 मिलियन के बाद तो मैं कहता हूँ तो आप डेली व्लॉगिंग, सही है, कैसा आइडिया है? क्या बोला? डेली व्लॉगिंग 1 मिलियन के बाद करें, कर सकता हूँ मैं। देखें पहले एक एक महीने के बाद डालता था, अब देखें हफ्ते में 1-2 व्लॉग तो आ ही रहे हैं यार, तो इस हिसाब से तो डेली व्लॉग भी मैं बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तुम्हें सपोर्ट करना है, ठीक है। तो यार जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू नंबर 1, बाय।